पर नगर पंचायत में मौजूद है चौक क्षेत्र में, और आज यहाँ पर एक बड़ी वारदात हुई है जो पूरी रिपोर्ट हम आप आगे दिखाएंगे आपको। जैसा कि कल हमने चलाया भी था, लोगों को बताया भी था कि जरवल जो किराना व्यवसायी है, किराने का काम करते हैं, विवेक कुमार जो गुप्ता जी, इनका जो बेटा है जो तीसरे नंबर पे था, शिवजी गुप्ता जो गायब हो गया था, इसकी प्राथमिक रिपोर्ट उन्होंने दर्ज कराई थी। काफी रात्रि में पुलिस ने यहाँ पर छानबीन भी की, और अभी यहाँ पर सुबह एक कंटेनर बरामद हुआ है, डिब्बा बरामद हुआ है, जिसकी रिपोर्ट हम आपको देंगे। ये तो साहिब घटना बड़ी वारदात आपके जनपद के जो जरवल रोड थाना अंतर्गत जो जरवल नगर पंचायत में, जिसकी पूरी रिपोर्ट हम आपको आगे दिखाएंगे। जनपद बहराइच के जरवल नगर पंचायत में यहाँ पर मौजूद है, जो एक बहुत बड़ी वारदात हुई, बहुत दुखद घटना है। हमारे पास शब्द नहीं कि हम किन शब्दों में उसको बयां कर सकें। जैसे इस वारदात की जानकारी बहराइच के कप्तान गौरव गुरोवर जी को हुई, वो तत्काल यहाँ मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिलकर के उन्होंने ढांढस भी बंधाया है, और कप्तान साहब हमारे बीच में है। तो सर बहुत दुखद घटना है सर, शायद मेरी जानकारी में सर जरवल नगर पंचायत में ऐसा वारदात नहीं हुई सर, तो इस घटना में सर क्या कहना चाहिए? ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, बहुत ही दुखद घटना है, जिसमें एक 6 वर्ष का जो बालक है जी, उसकी आज डेड बॉडी जो है वो जरवल कस्बा के अंदर एक खाली प्लॉट से एक प्लास्टिक का कंटेनर है उसमें से मिली है। कल दोपहर 1 बजे से करीब जो बच्चा है उसकी जानकारी नहीं हो रही थी, वो मिल नहीं रहा था। इस संबंध में शाम में पुलिस को सूचना दी गई, शाम से ही पुलिस की टीम्स इसमें लगी हुई थी। सीओ साहब के निर्देशन में यहाँ पे टीम द्वारा सभी घर को सर्च भी किया गया था, आसपास के भी जानकारी भी की थी, परिवार से भी जानकारी की गई थी, और अब 4 बजे तक ये कार्रवाई चली है। अनफॉर्चुनेटली सुबह गली के पास में खाली प्लॉट में डेड बॉडी मिली है। घटनास्थल का निरीक्षण सभी अधिकारियों द्वारा और मेरे द्वारा किया गया, फॉरेंसिक टीम ने जो इम्पोर्टेंट क्लूज हैं वो भी सब वहाँ से एकत्रित किए गए हैं। परिवार से बात करने पर कई अहम जानकारियां हमको प्राप्त हुई हैं, कई चीज़ों का पता चला है। मुकदमा कल रात में ही लिखा गया था, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को जिला अस्पताल पर भेजा गया है, पोस्टमार्टम में जो मृत्यु का कारण है वो स्पष्ट हो जाएगा। बाकी जो जानकारियां हमारे पास हैं, कई संदिग्धों के ऊपर भी हम नज़र रखे हुए हैं, उनसे भी पूछताछ हो रही है। हमें बड़ी आशा है कि बहुत जल्द हम इस घटना का खुलासा करें। खुलासा कब तक हो, क्योंकि सर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद गुप्ता जी भी है, इन्होंने कहा कि खुलासा जल्द होना चाहिए, क्यों चाचा क्या ऐसा? हाँ बिल्कुल, खुलासा जल्द होना चाहिए जी, और वैसे पुलिस का सहयोग मिल रहा है जी, लेकिन मैं कप्तान साहब से निवेदन करूंगा जी कि इसका जल्द से जल्द खुलासा हो, पीड़ित परिवार को राहत मिले। तो सर क्या कहेंगे, खुलासा कब तक होना संभव? जितना जल्दी पॉसिबल होगा, हम पूरे के पूरे जनपद के जो अच्छे हमारे इंस्पेक्टर उनको भी लगा रहे हैं इसमें। हमारी कल शाम से ही टीम्स लगी हुई हैं, मैं खुद इसको मॉनिटर कर रहा हूँ, बहुत जल्द हम इस घटना की तह तक पहुँच के सभी विवेचना में जो एविडेंस उनको इकट्ठे करते हुए बहुत जल्द इसका खुलासा करेंगे। धन्यवाद सर, पीछे जाइए। देखिए सर, भी यहाँ पर आपके बीच में कप्तान गौरव ग्रोवर्स पहुंचे और उन्हें आश्वासन दिया कि तत्काल इसकी जांच चल रही है और जो दोषियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। न्यूज इंडिया से अशोक, आप मेरे सामने तस्वीरों में देख रहे हैं, ये बड़ी वारदात जरवल नगर पंचायत में हुई है। देखिए प्लास्टिक का एक डिब्बा है जिसमें विवेक गुप्ता का ये सुपुत्र है आर्य कुमार उर्फ शिवाजी गुप्ता, ये कल दोपहर 1 बजे से घर के पास से खेलते हुए ये लापता हो गया था, और जो है आज सुबह जो है डिब्बे में इसकी लाश मिली है। आप तस्वीरों में सामने देख रहे हैं, यहाँ जो है जरवल रोड की पुलिस, जो थाना की पुलिस है, थाना प्रभारी वो भी यहाँ, पटेल जी वो भी यहाँ मौके पर पहुँचे हैं, और काफ़ी फोर्स भी यहाँ मौके पर पहुँच चुकी है, और आप तस्वीरों में देख रहे हैं। अब उस बेटे को कंटेनर से जो है ला करके बाहर निकाला जा रहा है, आप सामने तस्वीरों में देख रहे हैं। ये बड़ी वारदात हुई है, एक मासूम बालक की जो हत्या हुई है, और ये बहुत, जिसकी निंदा की जाए, जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि ये बहुत दुस्साहस घटना है। अब आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये जो है शिवाजी गुप्ता, जैसा कि मैंने आपको बताया है, विवेक गुप्ता जो RSS के एक कार्यकर्ता भी थे, जरवल ब्लॉक से पदाधिकारी भी थे, उनकी बेटे की जो है ये लाश आज प्लास्टिक के कंटेनर में सुबह जो है लगभग वही 8:30 या 9 के आसपास जो है, जब कुछ लोगों ने देखा तो इसकी जानकारी उनके परिवार को लोगों की दी, परिवार के लोगों ने तत्काल इसकी जानकारी पुलिस को दी और पुलिस भी मौके पर पहुंची। आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये सब परिवार के लोग और जो वहाँ आस पड़ोस के लोग मौजूद हैं, डॉक्टर दीपक गुप्ता भी यहाँ साइड में खड़े हैं आप देख रहे हैं, और इधर जितेंद्र गुप्ता भी हैं, और अब उसकी लाश जो बेटा है जो
विवेक गुप्ता जी का, उसकी लाश को यहाँ बाहर निकाला गया है और यहाँ पर पुलिस अपने स्तर से इसकी पुलिस जांच कर रही है। काफ़ी संख्या में यहाँ जैसे इस घटना की जानकारी हुई, आसपास के तमाम ग्रामीण उस घटनास्थल की ऊपर दौड़ पड़े, क्योंकि दोस्तों जरवल में ये शायद पहली वारदात है जो इस तरीके की घटना को कूर बहसी दरिंदों ने अंजाम दिया, एक मासूम बालक की हत्या कर दी। और यहाँ पर जनता काफ़ी आक्रोशित भी है, बहुत भारी भीड़ है, जैसा कि मैं तस्वीरों में आपको आगे दिखाऊंगा भी। यहाँ देखिए काफ़ी संख्या में फोर्स भी, जैसे घटना की जानकारी हुई काफ़ी संख्या में फोर्स भी यहाँ मौके पर पहुँच गई। अब यहाँ पर देखिए भीड़ बहुत थी, उसे हटाने के लिए थोड़ा जो थाना प्रभारी पटेल जी हैं वो यहाँ लोगों से बोल रहे हैं कि थोड़ा जो है भीड़ को कम कर दिया जाए। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं उस यहाँ पर देखिए काफ़ी संख्या में फोर्स भी, देखिए सामने एक रस्सी लगा करके जो आम पब्लिक है उनको रोका जा रहा है, क्योंकि ये देखिए बहुत सारे लोग, आप देखिए जरवल के आशीष गुप्ता भी वहाँ साइड में है, ये जैसे काफ़ी संख्या में महिलाएँ भी, जब इस घटना की जानकारी हुई तो वो तत्काल जरवल नगर पंचायत की ओर दौड़ पड़े। ये जैसा कि मैंने बताया है जो पुराना इलाहाबाद बैंक था उसी की गली में जब आप जाएंगे, जो बद्री सासुस मंदिर स्कूल है उसी के इस रास्ते पे जब आप और आगे जाएंगे तो जो है विवेक गुप्ता जी के जो है सामने खाली पड़ा हुआ एक प्लाट है, उस प्लाट में जो है इस, अब आप सामने तस्वीरों में देख रहे हैं, जैसे इसकी जानकारी डॉक्टर गौरव ग्रोवर पुलिस अधीक्षक बहराइच को हुई, वो तत्काल फॉरेंसिक टीम के साथ पूरी टीम के साथ घटनास्थल पर वारदात स्थल पर मौके पर पहुंच गए। आप तस्वीरों में देख रहे हैं इस वक्त जो बहराइच के कप्तान हैं डॉक्टर गौरव ग्रोवर, वो यहाँ पर जो है फॉरेंसिक टीम के साथ वो तुरंत वारदात के स्थान पर पहुँच चुके हैं और वो यहाँ जो है अब जो फॉरेंसिक टीम के लोग आए हैं वो जांच कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं यहाँ पर जैसा कि काफ़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी यहाँ मौके पर मौजूद। अब देखिए दुखद घटना आंसू निकालने वाली घटना है ये दोस्तों, आप तस्वीरों में देख रहे हैं डॉक्टर गौरव ग्रोवर पुलिस अधीक्षक बहराइच जो पीड़ित व्यक्ति हैं, जो पिता हैं विवेक कुमार गुप्ता के बेटे की निर्मम हत्या हुई है, उसके घर जा कर के उसके परिवार के लोगों से मिल करके देखिए जो है गौरव ग्रोवर जो कप्तान साहब हैं वो गले लग करके उनको ढाढ़स बंधा रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं। ये बड़ी वारदात, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों से इसे बयां कर सकूं, क्योंकि ये जरवल में बहुत बड़ी घटना हुई है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में सामने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद गुप्ता भी हैं और अब यहाँ आप तस्वीरों में देख रहे हैं डॉक्टर गौरव ग्रोवर पुलिस अधीक्षक बहराइच विवेक गुप्ता को सांत्वना दे रहे हैं और ये आश्वासन दे रहे हैं कि आप घबराइए मत, पुलिस आपके साथ है, प्रशासन आपके साथ है, पूरी निष्पक्षता के साथ पूरी ईमानदारी के साथ इसकी जांच होगी और दोषी व्यक्तियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ये दुखद घटना आप देख रहे हैं जरवल नगर पंचायत से, आज ये बड़ी वारदात मासूम बालक की हत्या हुई है दोस्तों। अब आप यहाँ तस्वीरों में सामने देख रहे हैं डॉक्टर गौरव ग्रोवर जो विवेक गुप्ता के परिवार के ही भतीजे हैं, राजू गुप्ता से इस घटना के बारे में वो सीधे बात कर रहे हैं कि लड़का कब घर से निकला था, कहां कहां गया और किन परिस्थितियों में वो शाम को जो है निकला दोपहर में घूमने टहलने के लिए, इस विषय पर डॉक्टर गौरव कप्तान साहब बात कर रहे हैं।